हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ सलवार की स्टिचिंग। सलवार की कटिंग के लिए मैंने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट पहले से ही बनाया हुआ है। अगर आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आ सके। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने कटिंग, सलवार की कटिंग आपको बताई थी, जिसमें मैंने ऐसे दो पार्ट्स कट किए थे, ठीक है। और इस तरह की मैंने चार कलियां कट की थी। अब इनको भी हमें स्टिच करना है। तो बीच में मैंने पार्ट्स लगाया है और साइड में दो कलियाँ लगा के हम इनको सी लेंगे, स्टिच करेंगे। तो ये मैंने सीधा साइड ऊपर रखा हुआ है। अब मैं एक कली को ऐसे पलट लूँगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी और इसको भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जब हम सिलाई करेंगे तो किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के से पकड़ के ही सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों कलियों को जॉइंट कर लिया है। अब मैं इस पार्ट को सीधा बिछा लूँगी और एक और जो पार्ट है जिसमें मैंने दो कलियाँ ऑलरेडी जॉइंट करी हुई है, उसको मैं इसके ऊपर उल्टा बिछा लूँगी इस तरीके से। अब हम इसके आसन की सिलाई करेंगे। ये है आसन और यहाँ पे हमें सिलाई करनी है। दूसरी तरफ का भी आसन, उसको भी हमें सिलाई करनी है। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आसन मैंने जॉइंट कर लिया है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे सलवार की बेल्ट। सलवार की बेल्ट निकालने के लिए हमारे पास यही कपड़ा बचा था और इसी में हम बेल्ट निकालेंगे। अगर आपके पास बाई चांस कपड़ा नहीं बचता है तो आप मार्केट से मैचिंग कपड़ा लेके भी बेल्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेल्ट में हम निकालेंगे बेल्ट की लंबाई। हमारे बेल्ट की लंबाई थी 6 इंच, तो 6 में 2+ करेंगे नेफा का, जो कपड़ा अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो हमारा आएगा 8। तो मैं यहाँ पे 8 पे मार्क कर रही हूँ दोनों साइड, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे और कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे बेल्ट की चौड़ाई, यानी कि विड्थ। विड्थ निकालने के लिए जितनी भी आपके हिप है उसमें 4+ कर देंगे, जिसके हिसाब से हमारा आ रहा है 52, ठीक है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये देखिए कपड़ा डबल किया हुआ है, तो हमें 52 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 26। तो डबल में यहाँ पे हमें कपड़ा 26 चाहिए चौड़ाई, ठीक है। ये देखिए 26 चाहिए, लेकिन हमारा 26 नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे जॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी में मैं जॉइंट लगाऊंगी। ये देखिए इतनी लंबाई का मैं कट कर लूँगी, जितनी की बेल्ट की हमारी लंबाई है उतने लंबे मैं कपड़ा कट कर लूँगी और इस तरह से हम इसका जॉइंट लगा देंगे दोनों तरफ। तो चलिए इसको मशीन पे सिलाई कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम इस कपड़े को ऐसे सीधा रखेंगे और इसका मार्जिन एक साइड कर लेंगे, ये देखिए, और ये मार्जिन के ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई हम लगाते हैं ये फिनिशिंग के लिए लगाते हैं। इसी तरह हम सारे जो टुकड़े हैं उनको जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो चौड़ाई है ये हमारी सिल्के तैयार हुई है। अब हम इसमें डबल में ही कपड़ा है ये, अब हम इसको नापेंगे। ये देखिए ये आ रहा है हमारा 26 से ज़्यादा आ रहा है, आधा इंच ज़्यादा आ रहा है, इतना ही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हम 26 पे मार्क कर लेंगे। और उस लाइन को मिला लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो हमने लाइन बनाई है इसी पे हम सिलाई करेंगे। और यहाँ पे हम इंची टेप से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे जितना कि हमारा मुड़ेगा नेफा के लिए। तो 2 इंच हम मोड़ेंगे तो 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इधर, और यहाँ पे आधे इंच पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। और इस निशान तक हमें सिलाई लगाएंगे, फिर हम सिलाई को उठा लेंगे और फिर आधे इंच जो हमने निशान लगाया है यहाँ से शुरू करेंगे। इसी तरह हम सिलाई को बैक लेके जाएंगे, वापस आधे इंच तक सिलाई करेंगे, फिर उस सिलाई को उठाएंगे और फिर यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये जो हमारा धागा है इसको हम कट कर लेंगे। ये जो मार्जिन का कपड़ा है यहाँ पे आधा आधा इंच, इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेके ये जो एक्स्ट्रा धागे निकले होते हैं इनको पहले हम कट कर लेंगे। अब सिलाई को यहीं पे रोक लेंगे और कपड़े को घुमा लेंगे और दूसरे साइड का भी कपड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे एक होल बन गया है। अब हम नेफा मोड़ेंगे, पहले हम थोड़ा सा मोड़ेंगे इस तरह से और फिर पहले हम इस पे निशान लगा लेते हैं 2 इंच का जहाँ तक हमें मोड़ना है। अब इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के फिर हम निशान तक मोड़ लेंगे और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे पक्का कर लेंगे सिलाई को।
यहाँ पे अब हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारी बेल्ट बन गई है, और इसके आगे की स्टिचिंग के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।